हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। प्रीवियस क्लास में अपने डिस्कस किया था रिसेप्टर्स के बारे में, ड्रग के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है रिसेप्टर का, कौन कौन से रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन के बारे में। आज की क्लास में अपन बात करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, रिसेप्टर्स में एक टॉपिक था जिसपे कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था। तो जो मेन कन्फ्यूजन था वो था बीटा एडेनर्जिक या एडेनर्जिक रिसेप्टर था, एडेनर्जिक रिसेप्टर। इसके अंदर कुछ डाउट था, जिसमें जो डाउट था वो था बीटा एडेनर्जिक के ऊपर, बीटा एडेनर्जिक की बीटा एडेनर्जिक। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एडेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो किस टाइप का इफेक्ट देते हैं, सिंपैथेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा एडेनर्जिक रिसेप्टर से। सिंपैथेटिक मतलब अपन यहां देखेंगे तो बीटा एडेनर्जिक के अंदर अपन ने देखा था, इसके मेनली तीन रिसेप्टर मैंने आपको बताए थे, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। क्लिनिकली अगर अपन देखें तो बीटा 1 और बीटा 2 अपने यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंट है। तो बीटा 1 की लोकेशन मैंने आपको बताई थी हार्ट और जेडी सेल के अंदर, और बीटा 2 की लोकेशन मेनली पाया जाता है ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। और बीटा 3 एडिपोज टिश्यू, दिस इज नॉट मच क्लिनिकल इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों की बात करें, जब सिंपथेटिक इफेक्ट आएगा, हार्ट की बात करें तो सिंपथेटिक इफेक्ट में हार्ट रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट। अगर ब्रोंकाई की बात करें तो जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाता है, डायलेशन होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन। तो ये तो कब होता है, जब आपका एनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, जब अपन एडर्नर्जिक रिसेप्टर अगोनिस्ट ड्रग देंगे तब क्या होगा, आपको हार्ट रेट बढ़ेगी और ब्रोंको डायलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने जो आपको बीटा एडर्नर्जिक ड्रग का एग्जाम्पल लिखाए थे वो थे प्रोप्रानोलोल, मेटाप्रोलोल, लोबेटालोल, वो सारे एग्जाम्पल थे बीटा ब्लॉकर ड्रग के। मैंने कौन से एग्जाम्पल लिखाए थे आपको, बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर ड्रग सिंपैथेटिक इफेक्ट को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। बीटा ब्लॉकर क्या करेगी, इस इफेक्ट को ब्लॉक कर देगी। जब सिंपैथेटिक इफेक्ट ब्लॉक हो जाएगा तो हम बीटा ब्लॉकर ड्रग देंगे तब हार्ट रेट बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्रोंको डायलेशन की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये जो डाउट था कि जो ड्रग्स लिखी है प्रोप्रानोलोल, मेटाप्रोलोल, लोबेटालोल, वो कौन सी ड्रग है, तो वो बीटा अगोनिस्ट नहीं है, वो ड्रग है बीटा ब्लॉकर ड्रग। और बीटा ब्लॉकर ड्रग क्या करती है, बीटा 1 और बीटा 2 के जो नॉर्मल फंक्शन है उनको अपोजिट कर देती है, यानी सिंपैथेटिक की जगह पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट ले आएगी, हार्ट रेट इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो जाएगी और ब्रोंको डायरेक्शन की जगह ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो जो ये डाउट था वो क्लियर किया अपन ने। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, और वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, फार्माकोकाइनेटिक तो ऑलरेडी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशंस लिखाई थी तब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। जो ड्रग आपने लिया है उसके ऊपर बॉडी का इफेक्ट क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। या फिर मैं अदर वर्ड्स में लिखूं तो इसके अंदर लिख सकते हैं कि इट इज अ क्वांटिटेटिव, इट इज ए क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू और आउट ऑफ द बॉडी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ड्रग जो अपन ने ली है वो ड्रग बॉडी के अंदर कैसे गई, जाने के बाद थ्रू आउट उसने क्या प्रोसेस किया और फिर वो बॉडी से आउट कैसे हुई, इस प्रोसेस की स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसके अंदर जो मेन मैकेनिज्म होंगे, यहाँ पे चार मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी ड्रग जो होती है, जो भी ड्रग आपने ली, मोस्टली अपन ओरल फॉर्म की बात करते हैं, तो जैसे ये आपने कोई टेबलेट है, ये टेबलेट पीसीएम आपने लिया है 500 mg, थ्रू ओरल रूट आपने लिया, ओरल रूट से ये जीआईटी के थ्रू अपने
जीआईटी के थ्रू कहां पहुंची, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर जाने के बाद ये ड्रग जो सॉलिड फॉर्म में थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में, और यहां से इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये ड्रग किस में पहुंच जाएगी, ब्लड के अंदर या सर्कुलेशन के अंदर। ब्लड से ये ड्रग, जीआईटी से जो ब्लड जाता है वो सीधा किसके पास जाता है, लीवर के पास, तो लीवर के पास पहुंचेगी। लीवर से ये ड्रग कुछ अमाउंट जो होता है लीवर क्या करता है, मेटाबोलाइट कर देता है ड्रग के, उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसके बाद ये ड्रग कहां पहुंचेगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ये ड्रग पहुंचेगी अपने टारगेट ऑर्गन, और टारगेट ऑर्गन से फिर ये पहुंचेगी अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपका किडनी। पहले मेटाबोलाइट होने के लिए लीवर के पास पहुंचेगी, और लीवर इसको क्या करेगा, मेटाबोलाइट करेगा, और मेटाबोलाइट करके टारगेट ऑर्गन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी के थ्रू ये क्या करेगी, बॉडी से किडनी, और किडनी से क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होता है, एक मेन प्रोसेस होता है ड्रग का। कोई भी ड्रग अपन ने ली वो जीआईटी के थ्रू स्टोमक से पहुंचेगी, स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में पहुंचेगी, ब्लड से लीवर के पास पहुंची, लीवर ने इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है, ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मीनिंग है कि जब कोई ड्रग ओरली अपन लेते हैं तो वो सबसे पहले लीवर के पास पहुंचती है, स्टोमक से ब्लड सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब होके, और वहां से लीवर क्या करता है, माइक्रोसोमल एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम इसके कुछ अमाउंट को डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और जो अमाउंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद रिमेनिंग होता है उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपने टारगेट ऑर्गन के पास गई, टारगेट ऑर्गन से अपना काम फिनिश होने के बाद वापस लीवर के पास मेटाबॉलिज्म के लिए गई, और मेटाबॉलिज्म से बाद किडनी के थ्रू बॉडी से क्या होगी, एक्सक्रीट आउट होगी। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हुआ है, पहला प्रोसेस हुआ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से ये ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, यहां से ये टारगेट ऑर्गन के पास पहुंची, इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से फिर लीवर के पास आई, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म, और किडनी के थ्रू ये क्या हो गई, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई। तो ये चार मेन प्रोसेस होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो हम इन चारों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चार मेन प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन। तो ये चार प्रोसेस है, इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक आप रख सकते हो, जो फर्स्ट वर्ड है उनसे आदमी अपन इसको बोल सकते हैं ADME, आदमी नाम से आप इसको याद रख सकते हो। शॉर्ट जो सीरीज वाइज आपको याद रखना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो इन चारों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे वन बाय वन, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले एब्जॉर्प्शन से। बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हम कोई भी ड्रग जो ओरल फॉर्म में अपन लेते हैं, वो ड्रग जहां से आपने बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट किया है, जहां से उस एंटर करी है, वहां से उसका ब्लड या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो जैसे आपने कोई सा भी ड्रग लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका जीआईटी ट्रैक्ट, स्टोमक, तो यहां से आपने कोई भी एक ओरल ड्रग लिया है पेशेंट को, ये ड्रग यहां से जब यहां पहुंचेगी और यहां से फिर ये ब्लड सप्लाई के थ्रू, इस ड्रग का यहां से ब्लड के अंदर पहुंचना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, सिंपल मीनिंग में कि जीआईटी ट्रैक से जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से ड्रग का अपने सर्कुलेशन में पहुंचना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा,
एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन इज देन एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सर्कुलेशन। तो अभी सिंपल से मीनिंग में मैंने आपको बताया कि जो ड्रग है वो अपने साइट ऑफ जहां से भी आपने एडमिनिस्ट्रेट किया, ओरली जो अपन ने दिया, वहां से ड्रग का अपने सर्कुलेशन में पहुंचना क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। यहां पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दो तीन पॉइंट वो याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जितनी भी ड्रग होती है जो ट्रांसपोर्ट होती है जीआईटी ऑर्गन से या जो भी लेयर है वहां से जो ट्रांसपोर्ट होके सर्कुलेशन में पहुंच रही है उसका जो मेन जो भी मीडियम होता है या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूट है जिसके थ्रू ये ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है वो होता है पैसिव डिफ्यूजन। तो मोस्टली ड्रग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मेम्ब्रेन by passive diffusion, other route भी हो सकते हैं लेकिन main important सबसे important route कौन से होते हैं, passive diffusion के through क्या होती है, जो drugs होती है वो mostly आपके transport की जाती है जहाँ stomach से जो blood में पहुँच रही है वो सब किसके route के through पहुँच रही है, passive diffusion के through drugs जो होती है आपके लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू होता है, यहाँ पे ओस्मोसिस या ऐसा कोई अदर चीज बहुत रेयरली देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि जो ड्रग्स होती है वो सबसे ज्यादा किस रूट के या किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो आंसर होगा आपका पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ पे दो बात और याद रखनी है एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, कि जो ड्रग एसिडिक ड्रग होती है, कोई भी ड्रग जो एसिडिक ड्रग है वो ड्रग एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी, एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम, फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें एस्पिरिन ड्रग की, तो एस्पिरिन एक टाइप की एसिडिक ड्रग है, या फिर मैं बात करूं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग NSAID, तो ये भी क्या है, एक एसिडिक ड्रग है। तो एसिडिक ड्रग है तो ये सारी किस पे एब्जॉर्ब होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन कौन से ऑर्गन के थ्रू होगा या कौन सी साइट से होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी के अंदर जीआईटी के अंदर एसिडिक मीडियम कहां पाया जाता है। तो अगर अपन स्ट्रक्चर्स देखें तो जो स्टोमक है, स्टोमक के अबव जो मीडियम होता है वो होता है आपका एसिडिक मीडियम और बिलो स्टोमक होता है आपका एल्कलाइन मीडियम। तो जो ड्रग है वो एसिडिक ड्रग कहां से मोस्टली एब्जॉर्ब होगी, आपकी एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होती है स्टोमक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जितनी भी एसिडिक ड्रग होती है वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है, और एसिडिक मीडियम कहां पाया जाता है, स्टोमक के अंदर। तो वो कहां से एब्जॉर्ब होगी, स्टोमक से। और जो ड्रग एल्कलाइन ड्रग है वो कहां से एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब इन एल्कलाइन मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपकी सारी ओपियोइड्स ड्रग्स जो होती है, ये किसके एग्जांपल है, ओपियोइड्स ड्रग जैसे मॉर्फिन पेथिडीन वो सारे किसके एग्जांपल है आपके, या फिर अपन बात करें एट्रोपिन, तो ये किसके एग्जांपल है, एल्कलाइन ड्रग्स के। तो ये सारे ड्रग कौन से मीडियम में एब्जॉर्ब होगी, एल्कलाइन मीडियम में एब्जॉर्ब होगी, और एल्कलाइन मीडियम मोस्टली कहां पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कोई एसिडिक ड्रग है वो बॉडी में दी गई है तो कौन से ऑर्गन से आपके एब्जॉर्ब होगी, तो एसिडिक ड्रग हमेशा स्टोमक से होगी, और जो एल्कलाइन ड्रग है वो कहां से एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन से होगी। तो ये एब्जॉर्प्शन में आपको ध्यान रखना है कि अगर अपन जैसे कोई भी एसिडिक ड्रग दी और आपका जो मीडियम है, या जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कोई आप पेशेंट को
एस्पिरिन ड्रग चल रही है तो पेशेंट को किस टाइप का फूड या क्या कंडीशन आप उसमें अवॉइड करोगे, तो हमें सारा जो एसिडिक मटेरियल जैसे आपको लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, जो एसिडिक होते हैं वो चीज़ तो हम दे सकते हैं, बट ऐसा कंडीशन जो क्या करे मीडियम को एल्कलाइन करे वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, क्योंकि ड्रग इसमें एब्जॉर्ब हो रही है एसिडिक मीडियम में एस्पिरिन। तो उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में कि कौन सी ड्रग के साथ हमें क्या फूड देना है, क्या नहीं देना है, वो सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है कुछ कंडीशंस होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा कि लिक्विड फॉर्म में ड्रग है तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो सकती है कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म, क्योंकि ड्रग स्टोमक में लिक्विड में कन्वर्ट होगी फिर एब्जॉर्ब होगी, या कुछ और कंडीशंस है तो उनको अपन वन बाय वन देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, यहां पर पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो है एक्वस सोलिबिलिटी। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें एक्वस सोलिबिलिटी। एक्वस सोलिबिलिटी से मीनिंग है कि जब भी अपन कोई ड्रग देते हैं ओरल रूट के थ्रू तो सोलिड ड्रग है वो ड्रग क्या होगी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी और फिर क्या होगी एब्जॉर्ब होकर आपके सर्कुलेशन में पहुंचेगी। अगर हम पेशेंट को पहले से ही लिक्विड ड्रग दे रहे हैं तो वो ड्रग क्या होगी एब्जॉर्ब जल्दी से हो जाएगी कंपेयर टू सॉलिड ड्रग। तो इसका मीनिंग हो गया कि लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा फास्ट होगा कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग। सोलिड फॉर्म ऑफ ड्रग दोनों को अगर कंपेयर करें तो फास्ट कौन सा होगा लिक्विड फॉर्म होगा, क्योंकि हमें लिक्विड करना है उसके बाद ड्रग एब्जॉर्ब होगी। तो लिक्विड ड्रग जैसे सिरप दे रहे तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी कंपेयर टू कोई भी टेबलेट हम पेशेंट को दे रहे तो उसमें टाइम लगेगा। तो पहला फैक्टर क्या अफेक्ट करता है कि ड्रग किस फॉर्म में है उसमें भी डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। अगर लिक्विड है तो जल्दी हो जाएगा और अगर सॉलिड है तो थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन। सेकंड बात करें कंसंट्रेशन, जो भी ड्रग आपने दिया है उस ड्रग में उस ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है। अगर ड्रग का कंसंट्रेशन 100% है तो वो ड्रग बहुत फास्टली एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। यहां पे एक चीज याद रखनी है पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड ऑन depends on concentration gradient। तो जिस ड्रग का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वो ड्रग उतनी फास्ट एब्जॉर्ब होगी, जिस ड्रग का कंसंट्रेशन या जो ड्रग कंसंट्रेटेड लेस कंसंट्रेटेड होगी वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो हाई कंसंट्रेटेड जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है वो जल्दी से एब्जॉर्ब होगी, जिसमें कंसंट्रेशन कम है वो ड्रग क्या होगी स्लोली एब्जॉर्ब होगी। तो हम लिख सकते हैं मोर कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड ड्रग है तो वो फास्ट एब्जॉर्ब होगी, अगर डाइल्यूटेड ड्रग है तो स्लो एब्जॉर्ब होगी। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आपका यहाँ पे रोल प्ले करता है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा ड्रग का उतना फास्ट होगा, जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा उतना ही धीरे ड्रग का क्या होगा एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो फैक्टर अपन ने देखे एक्वस सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट थर्ड अपन बात करते हैं एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। एब्जॉर्प्शन वाला जो एरिया है अगर वो एरिया उसके एरिया की बात करें एरिया ऑफ थर्ड जो बात करते हैं अपन एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो जहां पे भी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही फॉर एग्जांपल जैसे ये ए और बी दो ए सरफेस एरिया है एक ए और एक बी, जो ड्रग इस एरिया में पहुंचेगी तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए सिर्फ इतनी साइट मिली है और जो इस एरिया में पहुंचेगी बी वाली उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा साइट मिली है। तो जहां पे ज्यादा साइट है वो क्या होगा
फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, इसके अंदर जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही फास्ट होगा, जितना लेस एरिया का उतना ही क्या होगा एब्जॉर्प्शन स्लो देखने को मिलेगा। तो एब्जॉर्प्टिंग जो सरफेस एरिया है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ड्रग क्या होगी फास्ट एब्जॉर्ब होगी। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये भी फैक्टर क्या कर सकता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट उसके बाद देखें अपन जिस एरिया के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां की वास्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग एरिया, वास्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग एरिया। तो जहां से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है अगर वहां पे वास्कुलरिटी ज्यादा है, वास्कुलरेशन बहुत हाई है, तो वो ड्रग वहां से क्या होगी बहुत फास्टली एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हाई ब्लड फ्लो तो वहां पे ड्रग क्या होगी फास्ट एब्जॉर्ब होगी। अगर लो ब्लड फ्लो तो वहां ड्रग क्या होगी स्लो एब्जॉर्ब होगी, टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी मेन रोल, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि ड्रग कितना फास्ट एब्जॉर्ब, जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा क्या होगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपन ने देखा चार। उसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट है जीआईटी मोर्टिलिटी, गैस्ट्रिक मोर्टिलिटी जो अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ वन जीआईटी मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का मीनिंग होता है जो गैस्ट्रिक मूवमेंट होता है कोलोन के अंदर, जो मूवमेंट देखने को मिलता है, जो स्टोमक आपके जीआईटी सिस्टम में जो मूवमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं मोर्टिलिटी। तो अगर ये जीआई मोर्टिलिटी जो है, अगर मोर्टिलिटी हाई है या मोर्टिलिटी इंक्रीज है, ज्यादा मोर्टिलिटी अगर पेशेंट को हो रही है, तो जब मोर्टिलिटी अगर इस एरिया में मोर्टिलिटी की अपन बात करें, ये अगर ज्यादा मूव फास्ट करेगा तो इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट है वो जल्दी मूव कर जाएगा, और जब यहां से फास्ट मूव करेगा तो जो भी सरफेस में जो अपने ड्रग दी है वो वहां ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेगी, जल्दी से बाहर निकल जाएगी और इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर मोर्टिलिटी डिक्रीज है, कम है, तो वहां पे आपको इस जो ड्रग दी उसको ज्यादा टाइम मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए और वो ज्यादा एब्जॉर्ब देखने को मिलेगा। तो अगर मोर्टिलिटी इंक्रीज है तो आपका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, और अगर मोर्टिलिटी लो है, मोर्टिलिटी डिक्रीज है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोर्टिलिटी का कि जब ड्रग जो है सरफेस एरिया पे है और वहां पे अगर फास्ट मूवमेंट हो रहा है तो ड्रग जल्दी से बाहर निकलेगी तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, अगर स्लो मूवमेंट हो रहा है तो ड्रग को ज्यादा टाइम मिलेगा और वो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा ड्रग के नेचर की बात करें, नेचर ऑफ ड्रग भी यहाँ डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था फिफ्थ के बाद सिक्स वन नेचर ऑफ ड्रग, ड्रग किस टाइप की है उस पर भी डिपेंड करता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि एसिडिक ड्रग है तो वो कौन से मीडियम में होगी, एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होती है एसिडिक मीडियम में, और एल्कलाइन ड्रग है तो वो एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन ड्रग एल्कलाइन मीडियम। तो यहां पे अगर ये मीडियम चेंज होता है, अगर आपने एल्कलाइन ड्रग दी है पेशेंट को और आपने उसके साथ एसिड दे दिया, उसको सिट्रेट या ऑरेंज जूस दे दिया, तो मीडियम क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और मीडियम चेंज होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो जो ड्रग है वो उसी मीडियम में एब्जॉर्ब होगी, अगर आपने मीडियम चेंज किया तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है चेंज हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है। और लास्ट में अपन बात करते हैं सोलबिलिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग जो है सोलबिलिटी की बात करें, लास्ट सेवंथ वन सोलुबिलिटी ऑफ ड्रग, जो ड्रग है वो लिपिड सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ड्रग लिपिड सोल्यूबल है तो ड्रग फास्ट एब्जॉर्ब होती है, और अगर ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो ड्रग स्लो एब्जॉर्ब होती है। इसका एक रीजन है
अगर अपन बात करें लेयर्स की, अगर स्टोमक और जीआईटी के ट्रैक्ट की जो भी बॉडी की लेयर्स की बात करें, तो वो लेयर क्या होती है, लिपिड की, आपकी जो स्टोमक की लेयर्स हैं, ये लेयर्स में क्या, ये लेयर किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। और जब लिपिड वाली लेयर के अंदर दूसरा लिपिड आएगा, तो ये लिपिड वाली लेयर में इजिली क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, जल्दी से डिजोल्व हो जाएगा। बट अगर आपने वाटर सोल्यूबल ड्रग दी है और वो लिपिड में उसको एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसमें क्या लगता है, उसको टाइम लगता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, तो वाटर को थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगाएगी। तो अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो फास्ट एब्जॉर्ब हो जाती है कंपेयर टू वाटर सोल्यूबल ड्रग, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्टर थे जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे थे, कम ज्यादा कर रहे थे। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करते हैं, फर्स्ट के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट मेटाबॉलिज्म, सेकंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग या डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो ड्रग है जहां ब्लड में प्रेजेंट है वहां से अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टारगेट ऑर्गन। यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन को कोई भी ड्रग देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने पर्सन को ड्रग दिया, ये जीआईटी ट्रैक्ट आपका यहाँ पे, और यहां से आपने पेशेंट को ड्रग दिया, ये ड्रग पहुंचा आपके लीवर के अंदर, और लीवर से फिर ये ड्रग पहुंचा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट के अंदर, और यहां से पहुंचा ये जैसे आपको ड्रग देनी है ब्रेन में पहुंचानी है या किडनी के पास पहुंचानी है, जैसे ब्रेन की बात करें तो ये ड्रग आपने पेशेंट को दिया ब्रेन के पास, ये ड्रग यहां से पहुंचा है पेशेंट के ब्रेन में। तो आपने ये टेबलेट दिया इसको पेशेंट को, टेबलेट यहां से एब्जॉर्ब होके इस पोर्टल वेन के थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू ड्रग कहां पहुंची, लीवर के पास, और लीवर से ये ड्रग यहां से पहुंची हार्ट के पास, और हार्ट से ये ड्रग फिर कहां पहुंची, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में होते हुए किडनी या सॉरी ब्रेन के पास। ये आपका हार्ट, लीवर, स्टोमक और ब्रेन। तो इस प्रोसेस को, जहां से ड्रग इस ब्लड में पहुंची है, यहां से ब्लड में पहुंचने के प्रोसेस को हमने बोला था एब्जॉर्प्शन, अब यहां से ड्रग का इस ब्रेन तक पहुंचने के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि ड्रग का जहां से ड्रग एब्जॉर्ब हुई वहां से लेके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कुछ अमाउंट, जैसे ये ड्रग आपने यहां दिया 500 mg, और जब आप इस ड्रग को यहां चेक करेंगे तो यहां आपको मिला 400 mg। तो जो 100 mg जो पार्ट था, 100 mg, वो 100 mg पार्ट इस लीवर के द्वारा क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो ये 100 mg है ये क्या है आपका, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम। यहां लीवर के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है, ड्रग के कुछ अमाउंट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा होगा, वो ड्रग उतनी ही कम अमाउंट में अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेगी, और जिस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जितना कम होगा, उतना ही अमाउंट उसका, ज्यादा अमाउंट टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेगा। यहां से जो 400 mg यहां पहुंचा है, इस 400 mg को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जो अमाउंट ऑफ द ड्रग
फंक्शन करने के लिए आपके पास बचा हुआ है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, और यही क्या है आपके टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एक बायो अवेलेबिलिटी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग का कुछ अमाउंट टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचने से पहले जो लीवर ने डिस्ट्रॉय किया उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म थ्रू माइक्रोसोमल एंजाइम, और जो अमाउंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद रिमेनिंग बचा है जो टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचा है उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। तो ये था सेकंड पार्ट अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड जो अपना प्रोसेस है वो है मेटाबॉलिज्म। थर्ड अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, नेक्स्ट है थर्ड मेटाबॉलिज्म, सी है अपना मेटाबॉलिज्म, या इसको अपन बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब ड्रग अपना टारगेट ऑर्गन के पास जाके अपना काम पूरा फिनिश कर लेगी, जो उसका फंक्शन था वो हो जाएगा, तो उसके बाद ड्रग को वापस क्या करना होता है, बॉडी से बाहर जाना होता है, और किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी अमाउंट किसी भी बॉडी के कंटेंट को अगर बॉडी से बाहर निकलना है तो उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द सिंपल कंडीशन जिसमें क्या होता है ड्रग का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करते हैं अल्टर्ड कर देते हैं। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल अल्ट्रेशन, केमिकल अल्ट्रेशन इन ड्रग। और केमिकल अल्ट्रेशन से क्या होगा, जो ड्रग लिपिड सोल्युबल होती है, लिपिड सोल्युबल, उस ड्रग को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर सोल्युबल में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर सोल्युबल। यह हम बोल सकते हैं कि अगर ड्रग जो एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म इनएक्टिव फॉर्म। तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बॉडी के अंदर सबसे मेजर मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन कौन सा है, तो प्राइमरी ऑर्गन की बात करें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइमरी मेटाबॉलिज्म ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन और मेटाबॉलिज्म, तो आपका आंसर होगा लीवर। और यहां लीवर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म के लिए। उसके अलावा अदर कुछ ऑर्गन भी होते हैं जैसे किडनी, लंग्स, प्लाज्मा, यहां पे भी आपको मेटाबॉलिज्म देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, लीवर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म। और लीवर के अंदर जो एंजाइम जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहां काम करता है वो है माइक्रोसोमल एंजाइम, जो आपके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि कौन सा एंजाइम यहाँ काम करता है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो माइक्रोसोमल एंजाइम, माइक्रोसोमल एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। तो ये है मेटाबॉलिज्म, जिसमें ड्रग का एक्टिव फॉर्म को हम इनएक्टिव फॉर्म या लिपिड सोल्युबल को वाटर सोल्युबल में कन्वर्ट करते हैं या उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स को हम अल्टर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मोस्ट और इंपॉर्टेंट या प्राइमरी ऑर्गन वो है लीवर, और प्राइमरी एंजाइम जो है वो है आपका माइक्रोसोमल एंजाइम। नेक्स्ट लास्ट जो अपना बच्चा है वो है फोर्थ वन, इसके बारे में बात करते हैं, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की बात करें, फोर्थ वन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या है, जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। तो पासिस आउट ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्ब ड्रग, जो भी सिस्टमिक एब्जॉर्ब ड्रग है उसको बॉडी से बाहर निकालना आपका क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। यहां पे क्वेश्चन आता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी में कौन सा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन वो है आपका किडनी। किडनी किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू आपकी ड्रग को क्या करती है, बॉडी से
बाहर निकालती है। तो प्राइमरी मेटाबॉलिक सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन की बात करें तो वो कौन सा है आपका किडनी। उसके अलावा सेकंड अपन बात करें तो थ्रू जीआईटी सिस्टम फिशेस के अंदर भी ये क्या हो सकता है बॉडी से बाहर जा सकता है कुछ अमाउंट में फिशेस के थ्रू। फिशेस के थ्रू कैसे आएगा, जो लीवर है बाइल, और बाइल कहां से आएगा लीवर, तो लीवर क्या सिक्रेट करेगा बाइल सिक्रेट करेगा, और बाइल क्या करेगा बाइल के थ्रू जो ड्रग है बाइल में लीवर ड्रग के अमाउंट को बाइल में मिक्स करेगा और बाइल आपके फिशेस में एंटर होके बॉडी से एक्सिट आउट कर दिया जाएगा। तो फिशेस के थ्रू भी कुछ अमाउंट में ड्रग बॉडी से बाहर जा सकती है। उसके अलावा एक्सहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर जो है अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें लंग्स के थ्रू, तो कुछ अमाउंट में कुछ ड्रग जैसे वोलेटाइल फॉर्म जो ड्रग्स होती है गैस, वोलेटाइल फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ड्रग्स, या एक और इंपॉर्टेंट ड्रग एल्कोहल, ये सारी ड्रग क्या हो सकती है बॉडी से एक्सिट आउट हो सकती है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सहेल्ड एयर के अंदर। उसके अलावा कुछ अमाउंट में ड्रग्स जो होती है वो स्वेट के थ्रू भी क्या हो सकती है कुछ ड्रग स्वेट, या फिर सलाइवा इनके थ्रू भी क्या होती है कुछ ड्रग आपकी बॉडी से, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग है लिथियम ड्रग क्या हो सकती है स्वेट या सलाइवा से बाहर निकलती है, तो वो भी एक एक्सिटरी रूट हो सकता है। और लास्ट इसमें याद रखना आपको इंपॉर्टेंट वो है मिल्क, जो प्रेग्नेंट लेडी सॉरी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो उस मिल्क के थ्रू भी कुछ ड्रग्स जो होती है बॉडी से बाहर जा सकती है, जिनके अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग लिथियम, आइसोनियाजाइड। तो ये जो ड्रग है बॉडी से मिल्क के थ्रू बाहर आ सकती है, और मिल्क अगर बेबी पिएगा तो बेबी के अंदर जाएगी, और बेबी के अंदर क्या कर सकती है साइड इफेक्ट कोज कर सकती है। इसलिए हम इन ड्रग को, और भी बहुत सारे ड्रग्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो इन ड्रग्स को हम मिल्क फीडिंग मदर है लैक्टेटिंग मदर है तो उसको हम ये ड्रग इन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं, पेशेंट को मना करते हैं कि आप ड्यूरिंग मिल्क फीडिंग अगर चल रहा है तो आप ये ड्रग यूज ना करें। तो ये सारा किसके बारे में है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सक्रीटरी प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है तो किडनी। उसके अलावा मिल्क जो फीडिंग मदर है अगर कुछ ड्रग्स जो मिल्क के थ्रू बाहर निकलती है तो वो ड्रग हमें पेशेंट को नहीं देनी है, उन ड्रग को हमें बंद करना है ताकि उसका साइड इफेक्ट बेबी में देखने को आपको नहीं मिले। तो ये सब था फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, जिसमें अपन ने एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और आपका लास्ट एक्सक्रीशन के बारे में देखा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पहले क्लियर कर दूंगा। तो और जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।